कुमार संग अपना जन्मदिन मनाते हुए दिखे एक्टर नील नितिन मुकेश। हाँ, ये देखते हैं इनकी खास झलक। वाकई में प्रोफाउंड नहीं साउंड करना चाहता, बट मेरे लिए तो हर दिन स्पेशल है क्योंकि मैं अपने आप को ब्लेस मानता हूँ कि मैं अपने माँ, अपने पिताजी के साथ हूँ, अपने भाई के साथ हूँ, मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। तो बहुत ही खुश नसीब अपने आप को समझता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे ऐसे परिवार में जन्म दिया। बट साथ साथ जाहिर सी बात है, आज का दिन बहुत स्पेशल रहता है, हर कोई अपने बर्थडे को स्पेशल मानता है, और पूरे साल लोगों की तरह, मेरे परिवार की तरह, मैं भी इस दिन का इंतज़ार करता हूँ। साल का शुरुआत ही बर्थडे से होता है, और एक सेलिब्रेशन हुआ नहीं कि दूसरा होने लगता है। तो इन अ वे इट्स अ नाइस एक्सटेंशन, बट आई जस्ट फील ब्लेस्ड दैट आई हैव सो मच लव फ्रॉम ऑल ऑफ यू ऑल, फ्रॉम द फ्रेंड्स, फैमिलीज, फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड हू पोर इन सो मच लव। मुझे खास तौर पे इस दिन का इंतजार इसलिए रहता है ताकि ये एक दिन मैं अपने फैंस के साथ, आप लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ अपने हिसाब से जुड़ा रहूं और उनसे बात कर पाऊं। जी, 24 इज लुकिंग वेरी एक्साइटिंग। मैंने हाल ही में एक फिल्म कंप्लीट की है, नाम नहीं ले पाऊंगा, बट बता सकता हूँ इतना कि उनके निर्देशक है अश्वनी धीर सर, आर माधवन जी के साथ कीर्ति कुलाड़ी जी हैं उस फिल्म में। तो ये फिल्म हाल ही में कंप्लीट हो चुकी है, बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगी। और बस अभी रिसेंटली मैंने एक वेब शो, अपना पहला वेब शो शुरू किया है बॉम्बे में, उसकी शूट चालू है, और साउथ में एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म कर रहा हूँ मायावन करके, संदीप किशन जी के साथ। तो लुक्स एक्साइटिंग ईयर अप फ्रंट, वर्क वाइज ऑल्सो लुक्स पॉजिटिव। कोविड के बाद थोड़ा इंतजार किया मैंने कि कुछ एक्साइटिंग काम आप लोगों के साथ कर पाऊँ और कुछ यूनिक कहानियों के साथ आ पाऊँ। तो आई थिंक ये जो अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ, देर ऑल वेरी वेरी एक्साइटिंग। मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, पहली बात तो कि मुकेश परिवार, हम सभी रामायणी हैं और बहुत बड़े राम भक्त हैं। मैं खुद हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं हर दिन, ऐसा कोई एक दिन नहीं जो मैं अपनी हनुमान चालीसा नहीं करता। मैं हर दिन अपने डिनर के पहले, अपना पूरा दिन जब हो जाता है, नहा धो के अपने मंदिर में बैठता हूँ, मेरे हनुमान जी के पास बैठता हूँ। और ये तो शायद बहुत मेरे फैंस भी जानते हैं, कभी कभी मैं साड़नपुर हनुमान जी पहुँच जाऊँगा, मैं शिमला पहुँच जाऊँगा, जाकू मंदिर चला जाऊँगा, सीधी रोड पे मेरे हनुमान जी का मंदिर है, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। तो हमारे लिए बहुत ही शुभ एक दिन मैं मानता हूँ 22 तारीख को। आज ही मेरे जन्मदिन पे अगर मैं बड़ी छोटा मुँह बड़ी बात बोलना नहीं चाहता, बट अपने आप को बहुत सौभाग्य मानता हूँ कि आज के पावन अवसर पर और अपने जन्मदिन पर मैंने अपने पिताजी के लिए अयोध्या में जाकर एक छोटा सा एक लैंड खरीदा है ताकि हम भी उस धरती से जुड़ पाए जिस धरती से हमारा इतने हमारे राम जी और सब जुड़े हुए। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है हम सब के लिए, बहुत ही हम इस मोमेंट को ऑब्वियसली बहुत ही ऑस्पिशियस मानते हैं, और बस ऊपर वाले से मैं कृपा करता हूँ कि मुझे वो शक्ति दे, हनुमान जी शक्ति दे मुझे कि मैं मेहनत कर पाऊँ, अपने परिवार का की देखभाल कर पाऊँ, अपनी बच्ची की रक्षा कर पाऊँ, और अपनी माँ बाप की जितनी सेवा हो सके मैं कर पाऊँ।